एक, तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, मट्टी की काया में वही है, आद पुरख करतार, चारों युग में रात दिन बरसे उसका उजियार। मट्टी के इस शरीर में वह आद पुरख परमात्मा समाया हुआ है, चारों युगों में उस परमात्मा का उजाला इस पृथ्वी पर बरसता रहता है। मैंने तो सब में देखा तुझे, करी तेरी ही पूजा, पार ब्रह्म प्रभ एक तो नहीं सिवा तेरे दूजा। हे परमेश्वर, मैंने तो सब में एक तुझको ही देखा है, तेरी ही उपासना मैंने की है। तू अकेला एकमात्र सारे जगत का आराध्य देव पार ब्रह्म परमेश्वर है, तेरे सिवा परमात्मा और कोई दूसरा नहीं है। ये मैंने अच्छी तरह देख लिया है। मृत्यु के देवता यम ने परलोक में ले जाके मुझको ये सब अच्छी तरह समझा दिया था। न तारे न चांद सूरज, जब कुछ भी नहीं रहता, सारे विश्व पर परमेश्वर तेरा अनुशासन रहता। जब कुछ भी नहीं रहता तब केवल पार ब्रह्म परमात्मा का ही शासन इस सृष्टि पर होता है। संत जन ब्रह्म सरिता में तैरते मछलियों की तरह देव आत्मा होते झिलमिल, गगन के नक्षत्रों की तरह वो परमेश्वर अगर प्रकाश की नदी है तो उससे प्रेम रखने वाले उसकी पवित्र आत्माएं उसके संत जन उस प्रकाश नदी में तैरती हुई मछलियों की तरह हैं। पवित्र आत्माएं देव आत्माएं गगन के नक्षत्रों और सितारों की तरह उस परमेश्वर के प्रेम से उसके प्रकाश से रात दिन झिलमिलाते रहते हैं। आत्मा पे कोहरा छाया किस तरह वो छट सकता,
प्रेम भक्ति की आंच से वो कोहरा हट सकता, आत्मा के ऊपर तृष्णा और वासनाओं का कोहरा छाया हुआ है, उस कोहरे का हटना किस तरह से संभव है? गुरु की भक्ति के द्वारा, गुरु के चरणों में बैठ के पार ब्रह्म परमेश्वर के उपदेश को ग्रहण करने से परमेश्वर का मंत्र जपने से तपस्या करने से साधना और आराधना करने से वह कोहरा दूर होता है। सदा अशांत बना रहता जो है वासनाओं का दास, सदा अशांत बना रहता जो है वासनाओं का दास, सदा फिरे बेचैन रहे उसे हरदम शिकार की तलाश है। जो मनुष्य वासनाओं का दास है उसका हृदय कभी शांत नहीं होता। जो लोभ लालच में पड़ा रहता है वह किसी को ठगने की कोशिश में रात दिन शिकारी की तरह अपनी चालाकियों के धनुष बाण लेके घूमता फिरता है। सीप को देखो, स्वाति की बूंद पी के मुंह बंद कर लेती, एक बूंद से संतुष्ट हो जाती, बदले में सच्चे मोती देती। पवित्र आत्माएं सीप की तरह हैं, स्वाति नक्षत्र में जल बरसता है, सीप अपना मुख खोलती है, उसमें एक बूंद गगन सी आती है, वो अपना मुख बंद कर लेती है और उसके भीतर सच्चा मोती प्रकट हो जाता है। पवित्र आत्मा वाले सतगुरु से ईश्वरीय ज्ञान की बूंद अपनी अंतरात्मा में ऐसे रखते हैं जैसे सीप के भीतर सच्चा मोती निवास करता है। बांसुरी बाजे रात दिन, आवे उसकी आवाज एक सिरा गायक के मुंह में, है असल उसी की आवाज। बांसुरी बज रही है, बांसुरी की आवाज को हम सुनते हैं और भाव विभोर होते हैं, किंतु बांसुरी का एक सिरा गायक के मुंह में है, होठों में दबा है। अगर वो फूंक मारना बंद कर दे तो बांसुरी की आवाज भी बंद हो जाती है। शरीर रूपी ये बांसुरी है, परमात्मा रूपी गायक है,
उसी की फूंक पर रात दिन ये जीवन की बांसुरी सुख और दुख के गीतों को गाती रहती है। शरीर आत्मा में है, आत्मा शरीर में नहीं। लाखों जिस्म बूंदें सागर की, समझने की बात है कहने की नहीं। समुद्र के बीच में जैसे असंख्य छोटे छोटे बर्फ के प्याले हों, इस प्रकार ये हमारे मनुष्य शरीर हैं। इस शरीर के भीतर ही नहीं, ये सारे शरीर उस आत्मा रूपी तत्व से बने हुए हैं। लाखों जिस्म सागर की बूंदें हैं, बर्फ के प्याले हैं, ये समझ लेने की बात है। मुंह से कहते फिरने से किसी को ज्ञान नहीं होता। हर एक पक्षी का भोजन होता नहीं अंजीर, कुछ है मुक्त आत्मा कुछ बंधी हुई जंजीर। हर एक आत्मा ईश्वरीय प्रकाश का आहार नहीं करती, वे तो जगत की वासना और तृष्णा में पड़ी अशांत हुई दुख पाती हैं। संसार में कुछ ही मुक्त आत्माएं हैं, बाकी सारी आत्माएं तो कर्मों की जंजीर से बंधी हैं। खोज है जो परमेश्वर की, काटो संसारी बंधन सोने चांदी की जंजीरों के, पहने रहोगे कब तक बंधन। अगर परमेश्वर को खोजना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो संसारी बंधनों की पकड़ को ढीली करो, अन्यथा इनकी बेचैनियों में ही तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोने चांदी की जंजीरें, लोभ लालच, कब तक इन जंजीरों को तुम अपने ऊपर पहने रहोगे? कब तक जगत की वासना में रहोगे तुम बेचैन? प्रभु मिलन की कामना ही दे सकती है चैन। संसार की वासनाएं तुमको अंत तक अशांत बनाए रहती हैं। परमेश्वर से मिलन की कामना तुमको शांति की तरफ को ले जाती है। मद यश कीर्ति की लालसा है तन मन का रोग, जिनको सच्चे सतगुरु मिले वो ही हुए निरोग। संसार की लालसाएं, धन संपदाएं, यश कीर्ति अहंकार, ये सब मनुष्य के तन मन के रोग हैं। जिन्होंने सच्चे सतगुरु के चरणों में सिर झुकाया,
गुरु की बातों को जिन्होंने समझ लिया और मान लिया वे मुक्त आत्मा हुए हैं। प्रेम के जो पंख मिले तो शरीर भी उड़ जाए, तूर पे चमके ज्योति राख तक बचती नाए। ईश्वरीय प्रेम में अगर ये आत्मा लौलीन हो जावे तो ये शरीर भी वायु में विलीन हो जाता है। शरीर भी कपूर की तरह से हवा में उड़ जाता है। तूर पर्वत पर पैगंबर मूसा ने परमात्मा की ज्योति को देखा था, वो पहाड़ भी फूंक के राख हो गया। मट्टी की काया में वही है आद पुरख करतार, चारों युग में रात दिन बरसे उसका उजियार। चाहे सतयुग हो जिसमें ब्रह्मा सनकादिकों और सप्त ऋषियों के साथ 17,28,000 बरस तक तपस्या करते हैं, उस युग में परमात्मा का प्रकाश धरती पर बरसता है। त्रेता युग 12,96,000 बरस का होता है। उस युग के अंत में प्रभु राम आते हैं और रात दिन पूरे युग में ईश्वर का प्रकाश बरसता है। उसके पश्चात द्वापर युग 8,64,000 बरस का युग होता है। उसमें भी रात दिन परमात्मा प्रकाश की वर्षा करता रहता है। द्वापर के अंत में कृष्ण महाराज आते हैं। द्वापर के बाद ये कलयुग आता है। इसमें गुरु नानक, कबीर, रविदास तथा अन्य संत, परमेश्वर के मित्र उस परमात्मा के प्रकाश को लेके इस धरती पर आते हैं। यह युग 4,32,000 बरस का होता है। आज भी उस परमात्मा का प्रकाश रात दिन बरस रहा है। खड़े गगन में देवता, खुला गगन का द्वार, देखने वाले देख रहे हैं तेरा उजियार। जो दुनिया में खप रहे फिरेंगे होके ख्वार, अंतकाल शर्माएंगे साहिब के दरबार। गगन गुंबद से चांदना आवे है दिन रात, आरती करें तेरी देवता उजियारा लिए हाथ। उस परमेश्वर का जो कोई सिमरन करेगा मरने के बाद भी वो अमर रहेगा। जन्म मरण का ये पिंजरा बनाया है, जाने किसने ये पिंजरा बनाया है, इस पिंजरे से कौन छोड़ावे। सतगुरु इस पिंजरे से छुड़ावे। गगन महल में दीवा जली है, कोई कोई परमेश्वर के महल की सीढ़ी चढ़े है। सत का उजाला माथे धरिए, अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ,
सांस सांस पे नाम सुमरिए, गगन में अनहद घोर उठे है, प्रभ की तरफ जब रूह उड़े है। कहते हैं बाबा फुलसन दे वाले, नरक में भी हैं प्रभ के उजाले। परमेश्वर के प्यार में जिनके चोले रंग गए, जीते जी वो लोग दुनिया में फरिश्ते बन गए। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, धूल तिना की जी मिले जीव को नानक की अरदास। जिनकी आत्मा के वस्त्र उस प्रभु प्रीतम परमात्मा के प्रेम के रंग में रंगे हैं, वे धन्य हैं। उनके चरणों की धूल से असंख्य आत्माएं इस भवसागर को पार करती हैं। सतगुरु रंगरेजा मेरी रंग दे चुनर बसंती, परमेश्वर की तरफ उड़ो तेरे संग बन के पंछी। तेरे प्रेम ने जिनको तेरा दीवाना बना दिया, मट्टी को भी छुआ तो हीरे रतन खजाना बना दिया। देश विदेश फिरूं मैं प्रीतम, सबसे करूं तेरी बात, काया का एक तारा लेके नाचती फिरूं दिन रात। संत फकीर जिक्र करें तेरा, करें रात दिन ध्यान। तू मेरा सच्चा साहिब, मैं तुझ पे कुर्बान। जहां तहां दीवारों पे मैंने लिखा है तेरा नाम, चुप चुप फिरों संसार में लोग करें बदनाम। जब मैंने उसको देखा मेरा चेहरा हुआ गुलाब, फूल संदे वाले बाबा बोले आ मेरे संग नाच। परमेश्वर के प्यार में जिनके चोले रंग गए, जीते जी वो लोग दुनिया में फरिश्ते बन गए। जीते जी वो लोग दुनिया में फरिश्ते बन गए, जीते जी वो लोग दुनिया में फरिश्ते बन गए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।